फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एंड आज हम लोग वेनिस से निकल रहे हैं, तो हमने होटल चेकआउट कर लिया है और हम यहाँ से जा रहे हैं पीसा। तो चलिए आपको ले चलते हैं वेनिस से पीसा हाई स्पीड ट्रेन। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं यहाँ से, अभी हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और फिर वहाँ से हमारी ट्रेन है। हम लोगों ने होटल चेकआउट कर लिया है और रेलवे स्टेशन जाने के लिए गूगल मैप में मैप ऑन कर लिया है और अभी टाइम हो रहा है 10:30 और अब जाके सारे शॉप्स ओपन होना स्टार्ट हुए हैं। गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप रेलवे स्टेशन से आप बाई वॉक भी रियाल्टो ब्रिज तक आ सकते हैं। जब हमने वेनिस में एंटर किया था तब हमें ये पता नहीं था, आइडिया नहीं थी कि ऐसा वॉकिंग का रूट भी है, वॉकिंग वे भी है। तो हमने रेलवे स्टेशन से उतरकर और बस का जो बोट की है उसकी टिकट लिया था, 24 आवर्स के लिए वैलिड था वो। 24 आवर्स हम लोगों का कल ही एंड हो चुका है, तो हमें लगा कि अब तो हमें फिर से वन वे जर्नी का और एक टिकट निकालनी होगी जो 9 यूरो की है। तो बट उससे पहले हमने बस ऐसे ही बैठे कर दिमाग लगाया कि बाय वॉक वे हो सकता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी गलियां हैं। तो हमें पता चला कि बाय वॉक भी वे है, आप रियाल्टो ब्रिज से बाय वॉक रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से रियाल्टो ब्रिज तक बाई वॉक 20 मिनट्स का टाइम लग रहा है, जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। मैप में हमने चेक किया था, 20 मिनट्स दिखाए। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे, सामने आपको बोट की टिकट्स काउंटर मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में आपको बाई वॉक का रास्ता मिल जाएगा। कितनी भीड़ है उस ब्रिज पे देखिए। वेनिस का रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं। पैसेंजर की बोर्ड लगी है और हमारी ट्रेन नंबर भी डिस्प्ले हो रही है, बट प्लेटफॉर्म डिक्लेयर नहीं हुआ है। और ये है देखिए स्टेशन। थोड़े स्टोर और भीड़ भी काफी अच्छी है। और ये हम लोग आ गए हैं अभी प्लेटफॉर्म वाले एरिया पे, देख सकते हैं। और इस तरफ है अराइवल का और डिपार्चर का ये लगा हुआ बोर्ड लगा हुआ, उसमें ट्रेन नंबर डिस्प्ले हो रहा है। तो हमारा ट्रेन नंबर 8419 है और वो डिस्प्ले हो रहा है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे एक चीज़ है, जो ट्रेन की प्लेटफॉर्म नंबर रहती है वो कुछ इस तरह से लिखा रहता है। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे एक बोर्ड लगी है 12 नंबर और 11 नंबर। तो ये प्लेटफॉर्म डिस्प्ले के लिए इतना ही बड़ी सी बोर्ड है कि कौन सी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे, पहले से ट्रेन आ रही है। ये देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुके हैं हम लोग और हमारी ट्रेन पहले से यहाँ पे लगी हुई है। तो अभी हाई स्पीड ट्रेन
और इधर साइड है खड़ी ये नॉर्मल ट्रेन। आपको दोनों ट्रेनों में फ़र्क दिख रहा होगा। नॉर्मल ट्रेन इस तरफ दो खड़ी है और इस तरफ खड़ी है हमारी ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। और बगल वाले भी, नेक्स्ट वाले प्लेटफॉर्म पे भी हाई स्पीड ट्रेन खड़ी है। कुछ इस तरह की है अंदर में ये ट्रेन और काफ़ी कंफर्टेबल सीट है यहाँ पे। और अब देखेंगे इस ट्रेन की फैसिलिटी के बारे में, किस क्या क्या फैसिलिटी है। तो यहाँ पे डोर पे ग्रीन कलर का बटन है, वो प्रेस करेंगे डोर अपने आप ओपन हो जाएगी और उसके बाद हम अंदर जाएंगे। और कुछ इस तरह, और अंदर कुछ इस तरह से है। सेकेंड क्लास की कोच है, दोनों तरफ दो दो सीटें हैं और बीच में स्पेस है आने जाने के लिए। और अब चलिए चलते हैं वॉशरूम की तरफ, किस तरह से क्या है वॉशरूम में, कैसा है, नीट है क्या है, देखते हैं। इस तरह से ये है यहाँ का वॉशरूम और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ड्रायर, सोप, वाटर एंड काफ़ी अच्छा है, छोटा सा है बट क्लीन है। और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है क्योंकि टाइम हो गया और ये ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पे निकली है। और यहाँ से पीसा 3 आवर्स हम इस ट्रेन में जर्नी करेंगे। और फिर एक प्लेस है, एक स्टेशन आएगी जिसका नाम फेरेंजे एसएम नोवेला है, वहाँ पे हमको ट्रेन चेंज करनी है। वहाँ से हमारी ट्रेन है 3 o'clock को, 51 मिनट्स की वो जर्नी है, फिर हम पहुँच जाएंगे पीसा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूरोप में किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको ज़्यादा स्टेशन के बारे में पता नहीं है, तो कभी भी सेंट्रल वाली स्टेशन की टिकट लीजिएगा, क्योंकि एक ही नाम से बहुत सारे स्टेशन होते हैं इस स्टार्टिंग में। तो जब भी हम लेंगे तो जो सेंट्रल की जो स्टेशन होगी वहाँ की टिकट लेंगे, क्योंकि वहाँ से ईजी कनेक्टिविटी होती है। और ये जो है, ये ट्रेन इटालिया एक ऐप है, वहाँ से हमने इसकी बुकिंग की थी। और अभी हमारी ट्रेन टनल के अंदर से निकल रही है, टनल के अंदर, और इतनी सारी टनल आ रही थी रास्ते में कि बीच बीच में पूरा ऐसे वक्त थोड़ी चली जा रही है, बीच बीच में काफ़ी सारी टनल आ रही है। तो जब भी टनल आ रही है तो नेटवर्क चली जा रही है, फिर वापस से कनेक्टिविटी वाईफाई की अच्छी हो जा रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इस ट्रेन में बैठकर, काफ़ी एंजॉय किया मैंने इस हाई स्पीड ट्रेन को। पहली बार इस तरह की ट्रेन में बैठी हूँ और ऊपर से भी काफ़ी अच्छा लगा। और हम लोग पहुँच चुके हैं पीसा सेंट्रल रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने होटल। पीसा रेलवे स्टेशन से हमारा जो होटल है वो कुछ 8 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, तो हम वॉक करके आ गए। और मेन सिटी यही है, ये वाली जहाँ पे हमने हमारी होटल ली। बस हम लोग बैग पैक रखेंगे रूम पे और फिर वहाँ से चले जाएंगे लीनिंग टावर ऑफ पीसा के लिए, क्योंकि हमारी जो पीसा लीनिंग टावर ऑफ पीसा के अंदर जाने की टिकट्स की टाइमिंग है वो 5 o'clock है और ऑलरेडी
4:20 हो चुकी है और हम लोग लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखने के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में देखे कितना सुंदर रिवर है, कुछ लोग इसमें बोटिंग भी कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, मुझे तो दो बोट। हजार साल पहले तक मैं 3 डिग्री था, अभी 5 डिग्री है। और ये 2 डिग्री तक ये चल सकता है। अच्छा, अगर 5 डिग्री तक भी गया तो खड़ा रहेगा, उससे ज्यादा हुआ तो गिर जाएगा। इसकी जो टिल्ट है, ये जो एक तरफ से टिल्ट हो गया, वो साफ क्लियरली बाहर से भी दिख रहा है। पूरी की पूरी पिज़्ज़ा दिख रही है और एकदम अलग अलग सा ही फील है। एक सर्कल राउंड मारने में कितनी डर लग रही है, क्योंकि ये टिल्ट है ना, तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि गिर जाऊंगी जैसा। है, हमने लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी देख लिया और कल हमारी वापसी है, यहाँ से पीसा से ही फ्लाइट है क्राको की। तो वीडियो को ज़रूर देखिए, एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और मुझे एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ट्रिप की वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस, आपके वीडियो देखने से, आपके वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को देखिए एंड वीडियो को लाइक करिए और मुझे इसी तरह से मोटिवेट करिए ताकि मैं आगे आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूं। एंड मिलते हैं फिर कल, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।